हे गाइस, वेलकम टू द साइथर गेमिंग। गाइस, आज तक हमने पबजी मोबाइल ने बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं, पर ये अपडेट आज तक का सबसे बेहतरीन अपडेट होने वाला है, क्योंकि इस अपडेट में हमें पबजी मोबाइल में एक नया मैप दिखने वाला है, जिसका नाम अभी तो उन्होंने बीटा वर्जन में सीक्रेट मैप कहा है, बट ये शायद चेंज होकर ग्लोबल में दूसरे नाम से भी आ सकता है। तो सीक्रेट मैप एक बहुत बेहतरीन मैप है, जिसमें बहुत सारे ऑसम लोकेशंस हैं, जहाँ पे उतरते हैं आपको भी लगेगा कि क्या जगह है। इस मैप से बहुत सारे मिथ्स जुड़ी हुई हैं कि जो एरेंगल 2.0 मैप आने वाला है वो मैप शायद यही है, बट ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो एरेंगल 2.0 यही है या नहीं। एनीवेज, तो हम थोड़े से इस नए मैप के कुछ लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। तो ये सीक्रेट मैप, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, बहुत ऑसम मैप है। तो इसी ऑसमनेस के साथ इस मैप में एक ऑसम वाटरफॉल भी आने वाला है। जी हाँ, एक वाटरफॉल। आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि पबजी मोबाइल में वाटरफॉल भी आ सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़े ग्राफिक्स अजीब लग रहे होंगे, बट ये सिर्फ एक बीटा वर्जन है, इसी वजह से इसके ग्राफिक्स टट्टी हैं, समझो। बट जब ये मैप ग्लोबली रिलीज कर दिया जाएगा, तब इसके ग्राफिक्स बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। पबजी मोबाइल वालों ने सभी लोकेशंस का नाम अभी तक कहीं पर भी रिवील नहीं किया है, सो देखते हैं पबजी मोबाइल वाले इन लोकेशंस का नामकरण कैसे करते हैं। हमें ये मैप ग्लोबल वर्जन 0.19.0 यानी कि सीजन 14 में हमें मिलने वाला है। तब तक इसके सारे बग्स ग्लिचेस को पबजी वाले सही कर देंगे, वैसे होते तो कुछ भी नहीं, लेकिन ठीक है। एंड गाइस, आप यहाँ पे इन खजाने की पेटियों को देख सकते हो, जिनको हम फिलहाल तो ओपन नहीं कर सकते, बट शायद पबजी वाले इन पेटियों में अच्छे खासे लूट भर देंगे, जिनका हम बाद में ओपन भी कर सकेंगे शायद। गाइस, हमें सीक्रेट मैप में सस्ता जॉर्जो पुल भी दिखने वाला है, जो कि एरेंगल मैप का रिप्लिकेट है। यहाँ पे एक बड़ा सा जहाज है, जिसमें आपको अच्छी खासी लूट मिल जाएगी, और यहाँ के कंटेनर्स जॉर्जो पुल के कंटेनर्स के मुकाबले कम है, पर तगड़ी लोकेशन है। गाइस, यहाँ पे सेनोक मैप की सस्ती वाली गुफा भी है, जो कि ऑलमोस्ट सेम सेनोक वाली केव जैसी है, जिसके नीचे एक तालाब भी है, और यहाँ लूट भी मिलती है, जो कि अच्छी बात है। फिर गाइस, ये है पवन चक्री यानी कि विंड मिल्स, जहाँ पर फिलहाल तो कुछ भी नहीं मिलता, बट उसके बाजू में एक सिटी टाइप है जहाँ पर आप लूट कर सकते हो, एंड ये जगह काफी मस्त दिख रही है। गाइस, ये तो तय है कि जब ये मैप ऑफिशियली ग्लोबली रिलीज हो जाएगा, तब बहुत सारे बंदे ये मैप खेलने वाले हैं, और बहुत बंदों का ये मैप फेवरेट भी होने वाला है। यहाँ पे एक सिटी है जहाँ पे साइकिल स्टैंड, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह हैं, और ये सिटी काफी बड़ी है। ये मैप के ऑलमोस्ट सेंटर में है, सो यहाँ पे ये जगह बहुत ड्रॉप होने वाली है, मतलब कि ये जगह सस्ती पोचिंग की होने वाली है, सो बहुत गंदी भसड़ मचने वाली है यहाँ पर। तो गाइस, आपको कौन सी लोकेशन इस मैप में अच्छी लगी? हालांकि बहुत सारी अच्छे अच्छे लोकेशंस और भी हैं इस मैप में, तो हम उन लोकेशंस के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो। सो गाइस, आई होप कि हमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर देना, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ तब आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो या आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।